पहली बार जब बंदा ये स्टेशन पर जाता है तो इसका बोलना है कि यहाँ पर एक लड़का जो था वो अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया, इस तरीके का इसने जो है यहाँ पर बात रखी। और उसके बाद स्टेशन को एक्सप्लोर करने लगा भाई, कि भाई साहब जाते हैं स्टेशन पर एक्सप्लोर करते हैं। और एक्सप्लोर करने में इनके साथ होता क्या है कि वो जो ये लड़का बता रहे हैं जिसने सुसाइड किया था, अगर इनकी नज़र में वो घोस्ट है तो फिर इनके सिफ्टी पर जो है इनके EMS पर जो है पूरी लाइट जल जाती है। तो मैं आपको बता दूं भाई कि ये जो पूरी लाइट आपकी जल रही है EMS पर, उसकी वजह कोई घोस्ट और कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। भाई पेड़ हिल जाता है इसको लेकर के साथ में आए हो, पेड़ के नीचे से हिल आ रहा है क्योंकि अक्सर आपका कैमरा जो है। तो नमस्कार मित्रों, मैं नंदन वाजपेयी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का, और आप सबके समक्ष एक नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हो गया हूं। तो आज का जो वीडियो है हमारा, ये इसका विषय है ये भाई साहब जो कि स्टेशन पर जाते हैं दो दो बार, और काफ़ी समय से मेरे पास मैसेज आ रहा है, कॉमेंट आ रहे हैं आप लोगों की कि स्टेशन वाले वीडियो पर जो भाई स्टेशन गया है इस पर कुछ बारीकियां बताओ, कुछ तर्क वितर्क करो। तो यहां पर मैं तर्क वितर्क कर रहा हूं। पहली बार जब बंदा ये स्टेशन पर जाता है तो इसका बोलना है कि यहां पर एक लड़का जो था वो, मतलब एक लड़का और एक लड़की थे, लड़की जो है वो मतलब आपस में प्रेमी थे, ठीक है। तो उस लड़के ने लड़की की जॉब लगवाई, ये सब मतलब सारा कुछ लड़के ने किया। उसके बाद लड़की ने किसी और लड़के से जो है मैरिज कर ली, तो इसने फ्रस्ट्रेशन पे आ करके लड़के ने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया, इस तरीके का इसने जो है यहाँ पर बात रखी। और उसके बाद स्टेशन को एक्सप्लोर करने लगा भाई। स्टोरी ये थी कि वो लड़के ने वहाँ पर सुसाइड कर लिया था, तो उसके बाद वो लड़का वहाँ पर पटरी पर सबको देखता है और अभी भी वो लड़कियों का नाम, लड़की का नाम लेता, तो ये सब वहाँ पे स्टोरी है। उसके बाद ये एक्सप्लोर करता और स्टेशन की तरफ चलता है सीधे। और स्टेशन की तरफ चलने पर अब यहाँ पर नई बात ये होती है, यहाँ पर कि ये भाई साहब जाते हैं स्टेशन पर एक्सप्लोर करते हैं। और एक्सप्लोर करने में इनके साथ होता क्या है कि वो जो ये लड़का बता रहे हैं जिसने सुसाइड किया था, अगर इनकी नज़र में वो घोस्ट है तो फिर इनके साथ क्या होता है कि बच्चा आ जाता है। ये हर जगह हर वीडियो में बच्चा ज़रूर लेकर के आते हैं, तो इनको फिर से जो है बच्चे के रोने की आवाज़ आ जाती है। और अपना EMF मीटर वगैरह जो है, तो ये 6.20 पर जो है बच्चा जो है रोता है जब ये EMF मीटर वगैरह अपना फ्लश इसको मतलब जला करके दिखाते हैं। मेरे रूम पे कहाँ से बच्चा आ रहा है। तो उसके बाद 6:50 पर जो है इनके EMF पर जो है पूरी लाइट जल जाती है। तो मैं आपको बता दूं भाई कि ये जो पूरी लाइट आपकी जल रही है EMF पर, उसकी वजह कोई घोस्ट और कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। आप ऐसी जगह पर खड़े हो कि स्टेशन है वो रेलवे स्टेशन पर, जो होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हाई मात्रा में होती है और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक मतलब फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है उसकी कि स्वाभाविक है आपके मीटर पर जो है लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आएगी ही आएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जनरेट होती है, इस वजह से जो है ये मीटर आपका काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है जल रहा है। तो कोई घोस्ट नहीं है ये। मैंने रख दिया इसको, देख रहे हो पूरी की पूरी लाइट जल रही है। उसके बाद 7:43 की टाइमिंग पर जो है भाई पेड़ हिल जाता है, तो किसको लेकर के साथ में आए हो, पेड़ के पीछे से वो पेड़ हिला रहा है क्योंकि अक्सर आपका कैमरा जो है गतिविधियां हो जाने के बाद ही वहां पर फोकस करता है और आधा ही करता है, पूरी तरह नहीं। ये हिल रहा है क्या? ये डाली आपने हिलाई है किसी पैरों को चलने के वास्ते? उसके बाद 8:07 की टाइमिंग पर आप म्यूट हो जाते हो, तो भाई इसका जवाब देना क्यों म्यूट हो गए ये तो नहीं मालूम, बोलते बोलते कुछ रुक जाते हो। तेरी कैसी पैरों के चलने की आवाज़ है। एट पॉइंट वन टू की जो टाइमिंग है उस पर आपका जो है पेड़ जो है वो पीपल का पेड़ है जो भी है वो दोबारा से जो है हिलता है। क्यों हिलता है, कौन हिला रहा है, तो इसको आप मैं बताता हूँ यहाँ पर कि जब ये पेड़ आपका हिलता है तो आप बात करते करते पेड़ के पास जाते हो और 8:21 की जो टाइमिंग है पास जाने पर जो है उस सीन को आप कट कर देते हो
और कट करना स्वाभाविक है क्योंकि पेड़ के पीछे जिस फ्रेंड को आपने खड़ा कर रखा है डाल हिलाने के लिए, पेड़ हिलाने के लिए, वो कैमरे में रिकॉर्ड ना हो जाए, तो दैट्स वाई आपने जो है वहाँ पर सीन को जो है कट किया। ये सच में हो रहा है, मुझे पास में जाना चाहिए, थोड़ा सा डर लग रहा है। ये सच में हो रहा है, मुझे पास में जाना चाहिए, थोड़ा सा डर लग रहा है। उसके बाद 9.53 की जो टाइमिंग है वहाँ भैंसा दहाड़ रहा है, कुछ इस तरीके का कुछ हो रहा है। अब मेरे को ऐसा लगा, क्रीपी सा साउंड है वो, जो भी हो उसके बाद 10:45 का जो टाइमिंग है उस पर जो है पुचकारते हो आप किसी बच्चे को, जैसे पुचकारा जाता है किसी जानवर को, किसी को भी, तो पुचकारते भी खुद ही हो और खुद ही शो कर देते हो कि ये कैसी आवाज़ आ रही है, चिड़िया की आवाज़ है, बर्ड की, इस तरह से बोल रहे हो, तो क्यों करते हो, कैसे कर लेते हो भाई? किसी चिड़िया की आवाज़ है या किसी चीज़ की आवाज़ है? उसके बाद 12 की जो टाइमिंग है फिर से भैंसा दहाड़ता है, क्रीपी साउंड आता है। अब ले चलते हैं आपको दूसरे वीडियो पर, दूसरे वीडियो पर, यानी कि दोबारा जब स्टेशन पर जाते हो, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थोड़ी सी यहाँ पर लास्ट में कुछ बातें बताऊँगा जो थोड़ी नोटिफाई करने योग्य हैं। 2.6 पर जो है एक बच्चा जो है फिर से जो है पापा बोलता है और 3 आप उसको रिपीट करके सुनाते भी हो। और वो उधर के, वो उधर के, वो उधर के, तो ये बच्चा क्यों आ जाता है, कहाँ से आ जाता है ये नहीं पता। आप देखने गए हो वहाँ पर कि कोई लड़का जो सुसाइड किया था उसे एक्सप्लोर करने गए हो, ठीक है, पर वो ना आकर के जो है कोई बच्चा आ जाता है, ये एक नई बात है। उसके बाद 2.26 ये मेरे रूम पे बच्चा क्यों आ रहा बार बार। उसके बाद 2.26 की टाइमिंग पर जो है ये अंकल अंकल बच्चा जो है चिल्ला रहा है या कुछ बोल रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें गौर करने वाली है, क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही पता नहीं भाई। तो उसके बाद 2.50 की जो टाइमिंग है यहाँ पर आपने क्या किया है कि इस चीज़ को घोष्ट बता दिया भाई, जबकि ये घोष्ट नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका ये जो लाइट आप दिखा रहे हो ब्लू कलर की, और ये घोष्ट नहीं है कोई, ये क्या है कि आपका कैमरा जो है ये लाइट सामने आपके हाइलोजन लगा हुआ है और उसकी वजह से उसका जो है फ्लक्चुएशन जो है पड़ रहा है, और रिफ्लेक्शन जो है, सॉरी, उसका रिफ्लेक्शन जो है उसकी वजह से जो है ये लेंस फ्लेयर इफेक्ट आपका जो है हो रहा है, ये कोई घोष्ट नहीं है। तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से जो है, लेंस की वजह से जो है इस तरीके का ब्लू कलर का जो है दिखाई दे रहा है, तो क्यों हर चीज़ को घोष्ट बना देते हो भाई, ये घोष्ट नहीं है। और देखो कितना शातिरता जो है कितनी है ये वीडियो में। उसके बाद 4.46 पर फिर बच्चा, फिर उसके बाद 4.58 पर जो है बच्चा बोलता है क्या, ऐसा कुछ सुनाई देता है। उसके बाद 5 की जो टाइमिंग है उस पर बच्चा बोलता काऊ, अब ये काऊ बोला या ताऊ बोला, क्या बोला ये समझ में नहीं आया। इसको देखो कितनी ज़्यादा, मतलब किस तरीके से जो है रिकॉर्डेड वॉइस को जो है अपने वीडियो में इस्तेमाल कर लेते हो और घोस्ट एक्टिविटी बता देते हो, आनंद आता है देख करके। उसके बाद 7.21 पर फिर बच्चा, उसके बाद यार मेरे रूम पर बच्चा क्यों आ रहा बार बार, ये देखिए कोई नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कहीं पर भी नहीं, पूरे रूम पर, ठीक है। तो कहने का मतलब 7.53 का जो टाइमिंग है, 7.53 का बच्चा बोलता है आ जाओ, और यहाँ पर आपको बता दूँ कि 7.11 यानी कि 7.11 टू 7.18 यानी कि 7.18 के बीच आप लोग गौर करके सुनिएगा, बहुत ही बारीकी सुनाई देगी आपको, किसी ने विस्पर साउंड में जो है खुसर फुसर करी है और बोला बच्चे से कुछ कानों में कि ऐसा बोलो, तो वो बोल रहा है। आवाज़ किधर से आ रही है, वो इस दीवार के उस पार से आ रही है यार, कोई बच्चा है यार यहाँ पे, मैं सच बता रहा हूँ।
अब मैं आपको आपको दो चीज़ें यहाँ तर्क बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। उसके बाद 9.17 पर जो है कुत्ता आपके पास आ जाता है, ये सारी चीज़ें क्लियर करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी इनको तर्क दूंगा। उसके बाद 12.2 पर पुलिस वाले आ जाते हैं। तो ये आपके सेकंड वीडियो और फर्स्ट वीडियो के कुछ हालात थे जो मैंने बयां किए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों वीडियो को मिला करके कुछ तर्क वितर्क की। तो जब यहाँ पहली बात मैं ये करता हूँ कि जब पहली बार आप जाते हो स्टेशन पर तो आपके साथ होता ये है कि आप बताते हो यहाँ पर कोई लड़का सुसाइड कर लेता है। पहली पॉइंट ये हो गई आपकी। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो वो लड़का कहीं से नहीं आता है, कोई घोष्ट बन करके नहीं आता है। उस लड़के का तो कोई नामी निशान नहीं है यहाँ पर, और आपको घोष्ट किस रूप में मिला, बच्चे के रूप में मिल जाता है। तो बच्चा आप कवर कर लेते हो। उसका सेकंड वीडियो में चलते हैं, आप बोलते हो यहाँ पर किसी का मर्डर हुआ। तो दूसरा पॉइंट हमारा यही है कि आप पहले वीडियो में बता रहे हो सुसाइड किया लड़के ने, दूसरे वीडियो में बता रहे हो मर्डर किया। सो क्लियर इट कि ये क्या हुआ था, मर्डर या सुसाइड। और उसके बावजूद थर्ड पॉइंट ये है कि इन दोनों चीज़ों को भी मान लें, अगर मर्डर भी मान लो या सुसाइड कोई एक भी मान लो, तो इन दोनों ही चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि दोनों ही वीडियो में सिर्फ बच्चा ही बच्चा आया और पेड़ का हिलना आया। अब तीसरी बात करते हैं कि आपके अलावा वहाँ पर जो है पुलिस वाले भी जो है थे, तो उनको बच्चे की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी? ऐसी अगर एक्टिविटीज़ कुछ हो रही थी, इस तरह से साउंड आ रहे थे बच्चे के, तो उनको भी सुनाई देना चाहिए, ऐसी गतिविधियाँ उनको होनी चाहिए। और फिर वो तो आप तो यहाँ पर जो है मतलब एक ही बार जो है जा रहे हो मान लो वीडियो बनाने, अपना पुलिस वाले वहाँ पर जो है उनको भी परामर्श दे दो भाई, एक यूट्यूब चैनल वो भी ना खोल लेंगे, वो परमानेंट वहाँ पर रह रहे हैं तो उनको भी लाभ हो जाएगा कुछ ना कुछ। और थर्ड पॉइंट आपको बताता हूँ मैं, इस कुत्ते को देखिए आप। गौर करने वाली बात यह है कि ये, अब मैं यहाँ पर बता दूँ, प्रूफ दे दूँ आपको इस बात का, थोड़ा सा तर्क रखूँगा कि आपके साथ कोई और भी आया हुआ है, ठीक है, और ज़रूर आया हुआ है। और ये जो कुत्ता है इसका आप चेहरे का या इसके शरीर को देखिए, आपका कैमरा आप इस पर फोकस कर रहे हो कुत्ते पर, और कुत्ते का मुंह किधर है, तो वो किसी और को देख करके पूंछ हिला रहा है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है उस जगह पर भी सीन आपने काट दिया ताकि लोगों को समझ में ना आए, फिर कुत्ते को अपने पास बुला लिया। उसके बाद आगे की बात करता हूँ मैं कि भाई ये एक सोचने वाली बात है कि कुत्ता हो गया और ये बच्चे का रोना हो गया, हाई फ्रिक्वेंसी यहाँ पर हाई वोल्टेज होता है उसकी वजह से भी सारी लाइटें, पांचों लाइटें कैसे जल जाती हैं। अब जो मोटी बात है वो ये है कि इस वीडियो में, दोनों वीडियो में ऐसा क्या निकला कि जिसको आपने डिलीट या प्राइवेट कर दिया? क्यों किया भाई, बड़ा रहने देते, अच्छा लगता है देखने में, इस तरीके की चीज़ें करते रहते हो तो हम लोगों का काम चल जाता है भाई, थोड़ा सा बारीकी निकालने के काम आ जाता है, क्या करें, खुद ही दे देते हो ऐसे कंटेंट कि बोलना पड़ता है भाई। तो आज तो खुशी खुशी मूड में वीडियो बनाया, कोई ऐसा नहीं है कि कोई इस तरीके की बात हो कि दिक्कत हो कोई। सो होप टू सी यू अगेन सो लॉन्ग विद अनदर कंटेंट एंड नंदन वाजपेयी हियर।